अलहमदिल्ला वसलात वसलाम रसोल्ला देखें वरासत के बारे में बात हो रही है कि वरासत की जो तकसीम का तरीका अल्लाह ने बताया उसके मुताबिक ही तकसीम हो और बहनों को वरासत में उनका हक़ ना देना जो माँ बाप की तरफ़ से आ रहा होता है बहनों को उनकी वरासत में उनका हिस्सा ना देना इसका गुनाह क्या हो सकता है इसकी बड़ी सख्त वैदें हैं दुनिया में भी ज़िल्लत है और आहरत में भी ज़िल्त है दुनिया में जिलत क्या है कि इस भाई ने अपनी बहन का हक मारा है तो बहन की आगे भी इज्जत नहीं होगी उसकी बच्चों के सामने भी इज्जत नहीं होगी बहन के भांझों के सामने और दुनिया के सामने भी ज़िलत है कि इसने अपने बहनों का हिस्सा खाया है मजबूरी से उनके से उनसे फ़ायदा उठा लिया उनको नहीं दिया तो ये ज़िल्लत है दुनिया में भी और आखिरत में भी इसको हकीकत नहीं है बज लोग बड़े आसानी से कह देते हैं बहनों ने माफ़ कर दिया है बहनों ने डिमांड ही नहीं की बहनों ने छोड़ दिया है देखें अल्फाज के ऊपर ना जाएँ अल्फाज के पीछे देखें क्या मंज़र है हालात देखें दुनिया क्या दुनिया का क्या चेहरा है इसके पीछे अगर कोई हिस्सा ले ले उसके साथ सलूक क्या होता है ये सारा कुछ देखा करें कि वो मजबूरी उनकी होती है भाई यूँ कभी नहीं माफ़ करेंगे बहनों को कोई भाई मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा कि भाई ने कहा मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ बहन को ख़ुशी खुशी ये दबंग होते हैं जो दबंग किस्म के लोग होते हैं ना वो कब्ज़ा कर लेते हैं तो जमाना जहलीत में भी जो दबंग किस्म के लोग होते थे उनका ये माल होता था आज भी कुछ वही शक्ल है तो इसलिए ख़ुशी खुशी उनका हिस्सा दें अल्लाह ने हिस्से रखे हैं ये अल्लाह की तकसीम है अल्लाह का कानून है अल्लाह की हदें हैं ठीक है ना हर किसी को माल की ज़रूरत है कोई किसी को माफ़ नहीं करता ये समझ लें अपने बच्चों से भी ज़्यादा अजीज़ होता है भाई माल फितना है ये समझ लें आज के दौर में तो कौन छोड़ता किसी को तो ये मजबूर होती हैं जहालत हालतें होती है, है, है बाज़ का तो औरतों में वो नहीं समझती अपने हकूक़ को बचपन से ही उनको तैयार किया जाता है इस हवाले से कहा आपका जहन बनाया नहीं जाता का आपका भी हक है इसमें बस यही है कि जो चीज़ें दे दी वो दे दी उसके ऊपर ही उनको रखा जाता है ज़्यादातर तो तो यही कह दिया जाता है आपका यही था जो आपको मिल गया बाकी पीछे अब आपका कुछ नहीं है हालांकि उस औरत का बाप अगर इंतकाल करे तो बाप के माल में भी उसका हिस्सा है अगर उसकी माँ इंतकाल करे और चाहे शादीशुदा है उसकी माँ के विरासत में भी उसका हिस्सा है यहाँ तक कि उसकी दादी और दादा के माल में भी उसका हिस्सा बन सकता है अगर दादी दादा के बेटे बेटी ना हो तो वहाँ से भी उनका बन सकता है यहाँ तक कि अगर बहन का कोई भाई फौत होता है उसकी औलाद नहीं है बाप नहीं है भाई का तो बहन को हिस्सा मिल सकता है बहन की कोई बहन फात पाती है तो बहन के बच्चे नहीं हैं बेटी बेटे बाप तो फिर भी इसको मिल सकता है कितना इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो कहीं कि, किसी वारस से इसको नहीं मिलता औरतों का जितना भी तबका विरासत में सब किसी के साथ यही स्लोक है मर्द ज़्यादा ले लेते हैं अगर कुछ दे भी रहा है तो फिर अंदाज़े से कुछ ना कुछ दे दिया सही तकसीम ना की जैसे किसी की समझ लें एक बहन है और एक, एक ही भाई है तो जैसे नौ एकड़ ज़मीन है तो उसकी तो तीन एकड़ बनेंगी ना लेकिन कोशिश होगी कि उसको कम दे दिया जाए एक एकड़ दे दिया जाए या डेढ़ एकड़ दे दिया जाए तो वो भी मजबूरी में कहती है चलें जो मिल रहा है वही ले लें ले। अगर हम पूरे हक़ की डिमांड करेंगे तो शायद हमें वो भी ना दें तो बह उनको कानूनी सपोर्ट भी हासिल है अगर कोई किसी को नहीं दे रहा होता तो वो कानूनी तौर पे भी ले सकती हैं लेकिन बहनें इतने ज़रूरत नहीं करती कि वो भाइयों के ख़िलाफ़ इस तरह जाएं बरअल बाज़ तो चली जाती हैं बाज़ नहीं जाती वो कहती हैं हमने क्या करना है तो ये अगर उनको माफ़ करने में बाज़ का तो मसला भी नहीं होता क्योंकि उनको बचपन से जहन होता है हमें कौन सा मिलना है तो उनके लिए कोई तकलीफ दे मरहला नहीं है माफ़ करना लेकिन भाइयों को सोचना चाहिए खुशी खुशी उनको दें उनका हक़ रखें। तो अगर आप इस अमल करेंगे तो उसके लिए आपके लिए जर है जन्नत है आपके लिए बिशारत है जन्नत में अल्लाह अल्लाह ने जन्नत में आपके लिए बिशारत रखी है जो इस कानून पर अमल करेगा तो ये आजमाइश है इसमें आजमाइश पर पूरा उतरें तो ये अपनी बीवी बच्चों की दुनिया की खातर अपनी आखरत खराब ना करें ये समझ लें आप अपनी आखरत लहूल आप दुनिया के लिए अपनी आहरत खराब कर लें अल्लाह के नबी की हदीस से अगर किसी ने किसी की एक बालिश ज़मीन भी जुलन ली ये जुल्मन ही होता है किसी को मजबूरी से फ़ायदा उठाना ख़ुशी से खुशी दे, दे दें तो कौन देता है आजकल न किसी की ज़मीन एक बालिश भी ली तो सात तो बना के उसके गले में डाले जाएंगे और सही मुस्लिम की हदीस है कि अगर किसी ने यहाँ पर किसी का हक़ मारा तो नेकियों की शक्ल में देना पड़ेगा तो अगर आपने इस यहाँ पर किसी का हक़ मारा लाखों तो आपकी नकियाँ जाएंगी आपके बच्चों की नहीं जाएंगी आपकी जाएंगी आपने हिस्सा मारा है तो इसलिए ये हकीर दुनिया के लिए अपने बच्चों की दुनिया के लिए अपनी आखरत खराब ना करें जो बहन कहती है मैंने नहीं लेना आप ख़ुशी खुशी उनको दे दें उनके हवालों करें उनके हाथों में दे दें बाद में आप कहेंगे आपने कहीं पर भी, भी खर्च करना है कर दें और बहनों के लिए भी ये अख्तियारी मसला नहीं है ये वसीयत अल्लाह की उनको लेना चाहिए माल अपने हाथों में लेना चाहिए चलें सारा नहीं लेना कुछ तो कुछ लें को पता तो चले इनको इन्होंने भी कुछ लिया है ये सारे माफ़ कर देना ये अजीब सा मसला है तो इसलिए ये रस्म को तोड़ें जहाँ पे हज़ारों करोड़ों औरतों के हिस्से मारे जा इल्म रहे हैं अहल इलम की राय तो मुझे वो बड़ी पसंद है जो कहते हैं पहले उनके हाथों में दें और बहनों को भी चाहिए भाइयों को बिल्कुल ना दें क्योंकि ये रस्म है जैसे बाप जहेज देते ना बेटी को तो हम ये नहीं कह सकते कि वो खुशी से दे रहा है रस्म है चलना पड़ता है दुनियादारी के हवाले से तो इसी तरह ये भी एक रस्म है मजबूरी है तो बहनों को डिमांड करनी चाहिए लेना चाहिए भाइयों को बिल्कुल ना दें किसी और वारसों को दे दें शोर को दे दें बच्चों को दे दें साए को दे दें बहन को दे दें अपनी वालदा को दे दें अगर बाप का इंतकाल है भाइयों वाली रस्म ख़त्म हो अगर ये जुल्म की जो शक्ल है ये माशरे में ख़त्म हो जो मजबूरी से फ़ायदा लिया जा रहा है हाँ सलाम किसी को माल देने से रोकता नहीं है बहन भाइयों में बल्कि अजर है लेकिन उसका कोई तरीका है पहले उनके हाथों में दें अगर ज़मीन उनके नाम करें पैसे उनके हाथों में दें बाद में वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करें ना करें करें कोई ज़बरदस्ती नहीं उनकी होनी चाहिए और ये मसला ख़ुशी खुशी आप करें गुस्से में नहीं नाराज़गी में नहीं ख़ुशी खुशी होना चाहिए असल